अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं, सब खैरियत है, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो इस वक्त जो करंट टॉपिक चल रहा है, जिसकी बड़ी धूम मची हुई है और बहुत ज़्यादा सस्पेंस जिसके मतलब क्रिएट हुआ है, वो ये है कि जी कि हमारा यानी कि पाकिस्तान का नेक्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन सा होगा। बहुत सारे नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन आज जो एक मैंने जब सुबह उठ के तो न्यूज़ देखी, डिजिटल न्यूज़ लाइक BBC एंड अदर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन, तो एक नाम जो है वो सस्पेक्ट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो जिसका तस्करा किया जा रहा है, वो है जनरल रहीश शरीफ साहब। तो वैसे तो अभी कन्फर्म नहीं है, डेफिनेटली आज या कल हो जाएगा। आज 12 तारीख है, आज आई थिंक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उनका शायद लास्ट डे है आज, तो डेफिनेटली आज शाम को या कल जो है वो नाम अनाउंस हो जाएगा। तो आप बात करने का मकसद ये है कि अगर तो जनरल रहीश शरीफ साहब कंफर्म हो जाते हैं, तो ये शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मैं जिस तरह सोच रहा हूँ, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए यकीनन एक अच्छी खबर होगी। लाजमी नहीं है कि साहब मेरे साथ एग्री करें, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि जनरल रहीश शरीफ साहब जो है, एक तो इनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आप जानते हैं मेजर अजीज़ भट्टी शहीद इनके मामू हैं, और जनरल शब्बीर शरीफ शहीद जो हैं वो, सॉरी कॉल आ रही थी, इनके मामू हैं और जनरल शब्बीर शरीफ शहीद जो हैं वो इनके बड़े भाई हैं। तो खून का बहाव असर तो होता है, तो डेफिनेटली ये मुल्क के लिए अच्छा सोचेंगे, और जिस तरह इन्होंने अपने दौर में आके पाकिस्तान आर्मी की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा किया, उम्मीद है कि ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन के, अब ये तो नहीं पता कि कितने अरसे के लिए बनेंगे, क्योंकि अभी तक जो है वो हर चीज़ जो है वो एक मिथ बनी हुई है कि आया इलेक्शन टाइम पे होंगे नहीं होंगे, डजंट मैटर। आपको पता है ना, हम आवाम का इलेक्शन से पहले कभी कोई तलक रहा है, और ना आपके इलेक्शन में हम आवाम का वो तलक होगा। तो इसमें मैं एक बात ये कह ज़रूर कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम का जो मोरल इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन हुआ हुआ है, मेजर जनरल रहीश शरीफ जो है, रिटायर्ड जनरल रहीश शरीफ, ये इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम का जो मोरल है उसको ऊपर उठाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि खून का असर तो ज़रूर होता है, और जिस घराने में दो जो है वो निशान हैदर हों, तो उनसे ये उम्मीद तो की जा सकती है कि वो वक्ती मफादात को नहीं देखेंगे, बल्कि हमारी कौम का, पाकिस्तानियों का मोरल जो है वो अप करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अल्लाह से नेक उम्मीद रखते हैं, अल्लाह जो भी हमारा केयर टेकर PM हो, अल्लाह उसको हदायत दे, वो पाकिस्तानी कौम का सोचे, आवाम का सोचे, और हमें मज़ीद लेट डाउन होने से बचाए, और अल्लाह करे कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर। तो ये था जी आज का ब्लॉग, एक खबर मिली और मुझे अच्छी लगी, दिल ने कहा कि काश ऐसा हो जाए, तो मैंने कहा चलें आपसे डिस्कस कर लें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।